लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। खारघर गुरुद्वारा की मानव सेवी पहल बचा रही जिंदगी, हर दिन बांट रहे ऑक्सीजन सिलेंडर और जरूरतमंदों को राशन। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे मरीजों को फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर देकर खारघर का गुरुद्वारा मानव सेवा की नई मिसाल कायम कर रहा है। अब तक यहां से सैकड़ों लोगों को फ्री ऑक्सीजन बॉटल और सिलेंडर पहुंचाए जा चुके हैं। खारघर गुरुद्वारा उन जरूरतमंदों को भी राशन किट उपलब्ध करा रहा है जिनकी रोजी रोटी लॉकडाउन के कारण खंडित हो गई है। यहाँ के सेवादार कश्मीर सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा संगत कमेटी हर दिन सैकड़ों लोगों को राशन किट बांट रही है और मरीजों के लिए ऑक्सीजन बॉटल की भी सप्लाई कर रही है। सेवादारों ने गुरु साहब की सीख याद करते हुए कहा कि गुरुद्वारा संगत का लक्ष्य है कि खारघर और तलोजा क्षेत्र में कोई भी इंसान भूखा न सोने पाए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हम पूरे खारघर वासी और तलोजा के संगत को ये राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, क्यों ये कोरोना महामारी में जो लोगों को तकलीफ हुआ है, जैसे कि अभी काम धंधे सब चपट हो गए हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग ने ये सेवा जो आरंभ किया है संगत के सहयोग के नाल। हमने ऑक्सीजन का भी ये लंगर लगाया है, क्यों अभी ये मुसीबत की घड़ी है, इसमें हम सब देखते हुए तो हम लोग हमारी कमेटी ने और संगत ने सलाह की है कि भाई ये चीज़ अपने को सेवा करनी चाहिए। लंगर की सेवा तो करते ही हैं तो अपने को ऑक्सीजन की भी सेवा करनी चाहिए। सेवा आगे भी सेवा चालू है, हमारी कोशिश है कि लगातार जहाँ तक हो सके हम करें, क्यों ये जान बचाने वाली बात है अभी कोरोना जो महामारी को देखते हुए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मुश्किल घड़ी में जो है गुरुद्वारा खारघर बहुत ही सेवा कर रहा है। ये जो है कमेटी वाले बहुत ज़्यादा जो है कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा संगत यहाँ रोड के ऊपर जो जा रही है उनको चुपके से जो है जो खाना भी दे देते हैं पैक करके, काफ़ी कुछ कर रहे हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है और जो हमारे तो गुरु साहबान ने जो है ये सिखाया है कि ह्यूमैनिटी की, जीव जंतु सबकी मदद करनी है, हेल्प करनी है, तो हम लोग तो जो है करे हैं, लगे हुए हैं। हमारे जो खारघर की संगत है, गुरु घर की संगत है, गुरु नानक नाम लेवा संगत है, उनकी ही सेवा है और उनकी ही पूरी योगदान है और उस योगदान को खारघर गुरुद्वारा की कमेटी आगे बढ़ा रही है और उनका ही दिया जो भी योगदान यहाँ आता है वो योगदान जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाता है। और उसके अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो भी खारघर में, खासकर खारघर, ज़्यादा से ज़्यादा तलोजा या और आजू बाजू में कोई ज़रूरतमंद है जिसको भी कोई तकलीफ़ है, गैस सिलेंडर भरने में तकलीफ़ हो रही है या लाइट बिल कुछ नॉर्मल भरने में तकलीफ़ हो रही है, घर में राशन पानी की तकलीफ़ हो रही है, तो हम चाहते हैं कि वो बेझिझक, किसी से मांगना नहीं है, ये तो भगवान का घर है, ये भगवान से तो हम सभी मांगते हैं, छोटा बड़ा सभी मांगता है, तो भगवान के घर से उनको लेके जाना है, हमारे पास से नहीं लेके जाना है। हम तो किसी को कुछ नहीं दे सकते, कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता, भगवान ही है जो सबको देता है, तो ये सेवा भगवान जो है वो हमसे ले रहा है और वही सेवा हमको उसने दी है, तो उसका आशीर्वाद बना रहे और हम इसी तरह सेवा करते रहें। बताना जरूरी है कि नई मुंबई में कोरोना कहर के बीच खारघर गुरुद्वारा समिति दिन रात जरूरतमंदों की सेवा में लगी है। दिन भर यहां लंगर चलाकर भूखों का पेट भरने के साथ ही गुरुद्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए जान बचाने में भी मददगार बन रहा है। सेवादारों ने कहा कि ऐसे मुश्किल दौर में एक दूसरे की मदद करना ही सबसे बड़ी सेवा है। उन्होंने नागरिकों से पारंपरिक काढ़ा का उपयोग करने का भी सुझाव दिया। सेवादारों ने खारघर वासियों से मदद के लिए संपर्क करने की भी अपील की है। कोई भी हमारे सिख धर्म में, हिंदू मुस्लिम, कोई भी वीर को, किसी को भी खाने पीने की प्रॉब्लम है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी खारघर या तलोजा में इधर कोई भूखा नहीं रहे, कोई भी आगे राशन की डिमांड करेगा तो गुरुद्वारा की तरफ से पूरा उनका सहयोग किया जाएगा। जो भी सहूलत, जो पुराने बुजुर्ग हमारे बताते थे कि ये काढ़ा पियो, लैची बीच में डालो, ये चीज़ करो, क्यों वो चीज़ें जरूरी हो गई है। आज की जो दवाई से इलाज उतना नहीं हो रहा जितना कि हमारे पुरानी जो परंपरा है, हमारे बुजुर्गों ने हमारे को बताई थी। काफ़ी ऑक्सीजन की मारामारी चल रही है, तो मगर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अभी थाना में बातचीत चल रही है कि और सिलेंडर आए, हम जितना हो सके लोगों की मदद करें, हेल्प करें। ये पैसा संगत का ही है और संगत का ही काम आना है और संगत के ही
काम आना चाहिए। तो हमारे तो गुरु नानक देव जी ने जो लंगर चालू किया था वही लंगर आज भी चल रहा है और आगे भी चलने वाला है और चलता रहेगा। बस भगवान का वाहेगुरु का आशीर्वाद हमें मिले, हमारे सर पे हाथ रहे, इसी तरह हम सेवा करते रहे। जो भी गुरुद्वारे में अपना कुछ योगदान करना चाहता है वो कर सकता है, और जिनको भी गुरुद्वारे से कोई मदद चाहिए किसी भी प्रकार की जो हो सकता है हम करेंगे और हर संभव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।